श्री कृष्ण का जीवन एक महान प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कथा कई तरह से जीवन जीने का मार्गदर्शन करती है। यहाँ उनके जीवन की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत है। जन्म और बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता का नाम देवकी और वासुदेव था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके मामा कंस ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उससे भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। वासुदेव ने श्री कृष्ण को रातोंरात गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दिया। वहां उन्होंने ग्वाले के रूप में अपना बचपन बिताया और कई दैत्यों को मारकर लोगों की रक्षा की। माखन चोर और बाल लीलाएं। श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में अपनी माखन चोर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। वे गोकुल की ग्वालिनों के घरों में माखन चुराते और बाल सुलभ शरारतें करते। उनका यह व्यवहार प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, जो दिखाता है कि वे लोगों के दिलों में आनंद और उत्साह भरते थे। कालियानाग और गोवर्धन पर्वत। कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत लीलाएं की, जिनमें कालियानाग का वध और गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला प्रमुख है। जब यमुना नदी में कालियानाग ने विष फैलाया तो कृष्ण ने उसे पराजित कर नदी को पुनः शुद्ध किया। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर प्रलयकारी वर्षा भेजी तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गांववासियों की रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और समर्पण से हर विपत्ति को टाला जा सकता है। मथुरा लौटना और कंस वध। जब कृष्ण युवा हुए तो वे मथुरा लौटे और अपने मामा कंस का वध किया। उन्होंने मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और वहां एक आदर्श राज्य की स्थापना की। महाभारत और गीता का उपदेश। कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत के युद्ध में रही। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र माना जाता है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग, धर्म और आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कृष्ण की मृत्यु। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में शांति और सद्भावना का राज्य स्थापित किया, लेकिन जदुवंशियों के बीच आपसी कलह से त्रस्त होकर उन्होंने इस संसार से विदा लेने का निश्चय किया। अंततः एक शिकारी के तीर से लगी चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के साथ द्वापर युग का अंत हो गया और कलियुग की शुरुआत हुई। शिक्षा। श्री कृष्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। वे हमें सिखाता है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। उनके उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने और भक्ति तथा प्रेम के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।